नमस्ते नमस्ते, आइए, आपका भी स्वागत है, आइए। हाय, पूरे फंसे ना? हाँ, तो काम बंद, ऊपर से हम यहाँ पे बंद। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कसौटी जिंदगी के छोड़कर बिग बॉस में आकर रहूंगा। हाय गाइस, बहुत खूबसूरत लग रही हो। किस्मत देखो हमारी, कल ये 6 घंटे पार्लर से होके आए हैं और आज ही घर में बंद कर दिया। 6 घंटे पार्लर में गए, फिर भी लोग एकदम नाके नहीं लगे। जिनकी डीआरपी ज्यादा होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते जी। हाय दिव्यंका, हाय। आपको यहाँ बंद कर दिया, आप तो सीनियर हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता है सीनियर सिटीजंस को तो पहले बंद करो। मेरा सोचो, अभी बिग बॉस के घर से निकला और अब घर में बंद हूँ। एक मिनट सिद्धार्थ भाई, आपके लिए बिग बॉस कौन सी सजा थी? आपको तो चक्कर चल रहा था अंदर, आपने फुल एंजॉय किया वहाँ पे। अरे यार, हमारा दुख भी कोई समझेगा? अगर हम घर में रहेंगे तो फिर पड़ोस वाली भाभी जी को कैसे देखेंगे? अरे अपनी बीवी को पड़ोसी की नजर से देखो, अच्छी लगेगी। आप अपनी चोंच बंद रखिए यार। हाँ भाई, कहाँ है जनता, कहाँ है माइक, कहाँ है कवि सम्मेलन? अभी कवि सम्मेलन का कह के लाया मुझे यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ लाके बंद कर दिया? हेलो फ्रेंड्स, बिग ट्रबल से फाइट करने के लिए बिग बॉस के घर पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सबको घर पे इसलिए बंद रखा है क्योंकि बाहर कोरोना फैला है। सो जब तक है कोरोना, घर पे रहो ना। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं आप। यार जैसे गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल में यूं होता था ना, लू चल रही है, कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, वैसे ही यार बाहर कोरोना चल रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा, घर में रहेगा 24 घंटे। हमें कितने दिन और घर रहना होगा? कुछ कह नहीं सकते सर। अगर हम दोनों 10 दिन में पार्लर नहीं जाती तो सच में नामी लगने लगती है। आपका तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ भाभियां तो भाई साहब लगने लग जाएंगी। बात तो ऐसा। एक मिनट सर, आप एक काम कर सकते हो, आप राशन का जो सामान है वो कम करवा दीजिए, लेकिन मेकअप का सामान पूरा दिलवा दीजिएगा प्लीज। मेकअप भूल के अपना माइंड मेकअप कर लो सबको और घर के काम शुरू कर दो, इसे अपना ही घर समझो। और खुद को काम वाली भाई। विक्रम जी, जी आपके बाजू में झाड़ू पड़ा है, आराम करिए। सर झाड़ू नहीं लगेगा मुझसे, ये काम प्लीज कोई और कर लीजिए। You try it. हमने काम हम नहीं लगाएंगे झाड़ू। अरे मैं नहीं लगा रही झाड़ू चूड़ू, मेरा काम नहीं है झाड़ू चूड़ू लगाना, आप लगाओ। मैं कभी कलम उठाऊंगा, झाड़ू कैसे उठाऊंगा? मेरा काम समाज की गंदगी साफ करना है, आंगन साफ करना है ना, ना, तुम लगाओ झाड़ू। You try. अरे मैं झाड़ू नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। किसी को पोछा लगाते हुए देखा नहीं है क्या? पोछा लगाने से बेटर वर्कआउट कुछ नहीं होता, इसलिए नागिन से ज्यादा फ्लेक्सिबल पोछा लगाने वाली होती है। अरे सबसे बड़े राज की बात तो मुझे पता चली है, झाड़ू लगाते वक्त आदमी आगे बढ़ता है और पोछा लगाते वक्त पीछे। और अगर पोछा बाई की जगह आपकी बीवी या मम्मी ने लगाया हो तो आदमी ऐसे चलता है जैसे मानो डायनामाइट बिछाया हो। बच्चे से ट्रायल के बाद गोल रोटी बनी है, फिर मत कहना कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। आपका बर्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बिग बॉस चाहते हैं कि आप कुछ दिन और इस घर में बंद रहेंगे। क्योंकि इस कोरोना की तो ना कोई हद है ना सर हद, इसलिए हमें अपनी अपनी हत्या करनी है, और हमारी हद है हमारा अपना घर। नहीं पार करेंगे अपनी लक्ष्मण रेखा। मौका है नए हुनर सीखने का, मौका है अपनी ही जिंदगी को वक्त देने का, अपने घरों में रहकर दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ने का। ये जंग जमीन की नहीं है, पावर की नहीं है, पूरी मानवता की है। आइए इस विपदा को एक मौका बनाएं और अपनी इस खूबसूरत सी धरती को बचाने के लिए अपना फर्ज निभाएं। प्लीज मेरे सारे पैसे उनको दे देना जिनको जरूरत है।
मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। आओ इस विपदा को मौका बनाएं, अपनी इस छोटी सी दुनिया में रहकर मानवता को। ये समय है थोड़े से ठहराव का, बदलाव का, और इस बार हमें अंदर से बदलना होगा। बी द चेंज विद इन।